नमस्कार दोस्तों, इंदौर के स्वादिष्ट खाने की जगह पे आज हम आए हैं रंग मराठी। रंग मराठी जो कि एक महिला संचालक के द्वारा चलाई गई यूनिट है। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मराठी कल्चर जो कि इंदौर से लुप्त हो रहा है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए और मराठी व्यंजनों की पूरी रेंज यहाँ पर उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं रंग मराठी में क्या क्या चीजें हैं। हम रंग मराठी जो महाराष्ट्रियन टेस्ट, महाराष्ट्र के टेस्ट की सारी डिशेस मिलती है उस पर आज हम आए हैं। आइए अब हम ले चलते हैं आपको इस रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ जानेंगे क्या क्या चीजें और क्या क्या महाराष्ट्रियन डिश मिलती है। रेस्टोरेंट या जो भी जगह है इस पर एंटर करते से आप देख रहे हैं पूरा महाराष्ट्रियन एम्बियंस है, महाराष्ट्रियन कल्चर है और महाराष्ट्रियन डिशेस जो हैं वो भी यहां पर डिस्प्ले में हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिशेस इन्होंने डिस्प्ले में रखी। मराठी डिशेस में मेन छत्रपति थाली है, फिर थालीपीठ यहां पे मिलता है, चटपटे भजे मतलब भजिए, देन पेशवाई थाली भी है, पेशवाई थाली मतलब पुणेरी थाली है, मुंबई का वड़ा पाव है और पूरणपोली, आमटी, बासुंदी, मसाला भात व कढ़ी। और एक और डिश होती है दशम्या, ये भी मराठी के रंग मराठी रेस्टोरेंट में उपलब्ध है। तो आइए इनके तो आइए हम रंग मराठी की महिला संचालक हैं उनसे जानेंगे इस कंसेप्ट के बारे में जो उन्होंने इंदौर में शुरू किया है। तो नमस्ते, बताएंगे आप थोड़ा सा आपके इस कंसेप्ट के बारे में रंग मराठी। अपन सबसे पहले तो इंदौर है जी, यहाँ पे बहुत लोगों को फूडी मतलब सबको ही क्रेविंग रहता है नया कुछ टेस्ट करने का और यहाँ पे होलकर स्ट्रीट माना जाता है। करेक्ट, हमारा ऐसा था कि यहाँ पे पंजाबी, साउथ इंडियन मतलब बहुत रेस्टोरेंट्स यूजली दिखते हैं, करेक्ट, चाइनीज में दिखता है, मराठी अभी तक ऑथेंटिक हमें दिखा नहीं। मुझे हमें ऐसा लगा कि यार जब होलकर स्ट्रीट है यहाँ पे मराठी कम्युनिटीज बहुत है तो मराठी फूड होना चाहिए। वो भी ऑथेंटिक, ऐसा नहीं किसी बड़ा पाव लेकर अपने डिस्प्ले कर दिए, क्योंकि मराठी कल्चर में हर जोन का अपना एक अलग स्वाद है, अपनी अलग डिशेस हैं। जैसे कोंकण की अलग डिशेस हैं, आपका मराठवाड़ा के अलग है, मुंबई के अलग है, मुंबई का अपना एक अलग स्वाद है, पुणे का अपना अलग स्वाद है। जी जी, हमने सबका कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर अभी एक मेन्यू रेडी किया है और अच्छा फिर हमने प्रोसीजर किया, फिर जैसे डिमांड आती है इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या खासियत है? ज्यादातर मुझे मालूम है कि झुनका भाकर जो होती है, नॉन मराठी आते हैं हाँ, यूजली उनको तो झुनका भाकर ही मालूम है, झुनका मालूम, चतरा वगैरह होता है तो लोगों को झुनका भाकर पता रहता है, पूरनपोली हाँ, मीठी रोटी बोलते हैं। ये उनको है, ऐसे कोल्हापुरी टेस्ट यूजली लोगों को पता है कि अगर आपको स्पाइसी खाना है तो सोचते हैं हाँ कोल्हापुरी। ओके, वो चीजें हैं जो कुछ फ्रेंडली है, कुछ चीजें कुछ नहीं है। थाली पीठ से यूजली लोगों को पता नहीं कि वो इस थाली पीठ पातल भाजी रहता है, कढ़ी रहता है, भात रहता है, राइट, भरवा भाजी रहती है, सूखी भाजी रहती है। इस एरिया में ये जो केसरबाग रोड पर आपका संस्थान आपने शुरू किया है, कब शुरू किया था इसको? ये हमने 25 दिसंबर 2018 में, मतलब अभी एक डेढ़ साल हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, मैंने सुना है बहुत अच्छा है, वेरी गुड का मतलब तारीफ होता है क्योंकि किचन में भी मेरा फैमिली है। ओके, मतलब जो मेन शेफ तो हम लोगों ने ऐसे प्रोफेशनल शेफ हायर नहीं करे, ओके, इसलिए आप खुद भी टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि होमली फ्लेवर आएगा। वेरी, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ फिलर्स यूज नहीं करते, कलर्स यूज नहीं करते, मैदे का यूज नहीं है, इट्स अ हेल्दी फूड। वेरी गुड, वेरी गुड। महाराष्ट्रियन फूड अदरवाइज इज ऑल्सो अ हेल्दी फूड। यस यस, ओके ओके। तो महिला संचालक आप, मैं बात कर रहा था मिस थेटे,
थिट, मिसेस मेघा थिट। और ये इन्होंने जो मराठी फूड, यहाँ इंदौर में मराठी फूड फेस्टिवल भी होता है और जत्रा, इसी को ध्यान में रखते हुए या मराठी कल्चर इंदौर में स्थापित करने के लिए इन्होंने ये। अभी मैंने जब बात की तो मेघा जी ने बताया कि एक इस रिस्पांस को देखते हुए इन्होंने एक और प्लान किया है विजयनगर स्क्वायर पे। ठीक है, अब तो हम रंग मराठी की और चीजों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दो फ्लोर्स पे इन्होंने रखा है, ऊपर का सेक्शन जो है वो महाराष्ट्रियन बैठक पद्धति का है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के थाली और वेज थाली यहाँ पे या वेज सारी डिशेस यहाँ पे सर्व की जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पूरा एम्बियंस मराठी या महाराष्ट्रियन कल्चर लिए हुए हैं, अलग अलग स्टेट की अलग एम्बियंस में। देखिए विठ्ठल रखुमाई का भी फोटो है, तुलजा भवानी तुलजापुर की, उनका भी यहाँ के एम्बियंस में फोटो है, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर की देवी का भी यहाँ पर इनकी दीवार पर इन्होंने फोटो लगा रखा है। ये सब इस्टैब्लिश करता है कि ये पूरा महाराष्ट्रियन कल्चर और महाराष्ट्रियन डिशेस का ही रेस्टोरेंट। ये ओरिजिनली महाराष्ट्रियन जो खाने की बैठक होती है उसका पूरा एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट में। इवन जो म्यूजिक बज रहा है या जो भी गाने बजते हैं वो भी मराठी हैं। यहाँ पर दीवारों पर जो भी मैसेज लिखे हैं वो सब मराठी में है। अन्न है परब्रह्म, ये सब महाराष्ट्रियन कल्चर का एक पार्ट है जो इन्होंने पूरे अपने रेस्टोरेंट में अच्छी तरह से डिस्प्ले किया है। इनका यह रेस्टोरेंट मराठी रंग मराठी केसरबाग रोड स्थित है और जैसा कि मेघा जी ने बताया कि इसके रिस्पांस को देखते हुए विजयनगर में भी इन्होंने शुरू किया है एक और संस्थान। इस रेस्टोरेंट में महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन पद्धति को एस्टैब्लिश करने वाले श्री बाल गंगाधर तिलक, सुश्री लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और सिने अदाकारा माधुरी दीक्षित के भी फोटो हैं। तो दोस्तों ये एक मराठी कल्चर की नायाब जगह है, इसको जरूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।